ये आर्गुमेंट अभी चल रहा है, अभी सरकार का भी तरफ से जो आर्गुमेंट चल रहा है अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस केस की गंभीरता, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायाधीश ने इन्हें कल तक के आर्गुमेंट को कंटिन्यू रखने का आदेश दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। नाम बताएं। संजीव कुमार। ठीक है, करता है आज माननीय उच्चतम न्यायालय, आज माननीय उच्चतम न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में सुनवाई कंटिन्यू रही। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से सुनवाई चल रही है, कल दिन भर चला था, आज हाफ तक मंजी 1 बजे तक की सुनवाई थी और कल ये सुनवाई पूरा चलेगी। और इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार अपने परिप्रेक्ष्य को कि नियोजन नियमावली 2026 परिप्रेक्ष्य में लागू की गई हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने का प्रयास की, लेकिन अभी तक जो स्थिति हम लोगों ने देखा वो माननीय न्यायाधीश द्वय अभी तक इससे कन्विंस नहीं हो पाए हैं। और बीच बीच में हमारे माननीय अधिवक्ताओं द्वारा, रेस्पोंडेंट एडवोकेट द्वारा बीच बीच में उन्हें ऑब्जेक्शन किया गया। और अभी तत्काल परिस्थिति है कि बिहार सरकार ही अपने पक्ष को रख रही थी, कल माननीय आरसी द्विवेदी रखे थे और आज एसएन द्विवेदी अपने पक्ष को रखे और संभवतः कल पुनः सुनवाई शुरू होगी जिसमें कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद रेस्पोंडेंट एडवोकेट इसी संदर्भ में। और इस तत्काल जो परिस्थिति दिखाई पड़ रही है कोर्ट में, नियोजित शिक्षकों के फेवर में 100% माननीय उच्चतम न्यायालय दिखाई पड़ रहा है और निश्चित रूप से हम लोगों का जो नियोजन रूपी कलंक है इससे मुक्ति होगी और बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियोजन रूपी दस्ता से हमें मुक्ति मिलने वाली। मेरा नाम उपेंद्र राय, संयोजक माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं मुख्य याचिकाकर्ता ऑफ दिस केस।